हरियाणा का नाम ऊंचा करने वाले गुरु द्रोणाचार्य अवॉर्डी कृष्ण हुड्डा की तरफ से रविवार को करनाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के साथ हरियाणा के कई नामी खिलाड़ी और उनके कोच पहुंचे, जिनमें बॉक्सर विजेंद्र सिंह और रेसलर कोच महावीर फोगाट भी शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन के 100 दिन पर कहा कि इतना बड़ा और शांत आंदोलन मैंने आज तक नहीं देखा। सरकार से आज हर वर्ग परेशान है और सरकार की यह गलत नीतियां हैं। सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव 10 मार्च को लेकर आएंगे। उस दिन कुछ चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, जो यहाँ कुछ और कहते हैं और वहाँ क्या कहेंगे सब पता लग जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साथ ही बीजेपी जेजेपी मौजूदा सरकार के हरियाणा में 75% प्राइवेट नौकरियों के कदम पर भी सवाल उठाए और बेबाकी से सरकार पर निशाना साधा और मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में आने पर कहा कि बहुत बीजेपी में शामिल होते हैं, बहुत कांग्रेस में चुनाव के आसपास शामिल होते हैं। बंगाल चुनाव से पहले एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी ज्वाइन करने पर हुड्डा ने कहा कि चुनाव से पहले लोग इसी तरह से पार्टियां ज्वाइन करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों में शामिल होते हैं। हालांकि इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया कर्मी के एक सवाल के जवाब में साफ कह दिया कि कांग्रेस एक है और उनमें कोई टकराव नहीं है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि करनाल हमारे दिल के करीब है और सर के कार्यक्रम में पहुंचे हैं और उनसे बेहद प्यार है और हरियाणा के खिलाड़ियों को ओलंपिक के लिए बड़ी शुभकामनाएं हैं मेरी। वहीं पहलवान कोच महावीर फोगाट ने कहा कि हरियाणा के इस बार ओलंपिक में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया विनेश के साथ कई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। अब किसान को कितने दिन हो गए, किसान है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर एक हो गया, ऐसा प्रतीत होता है यहाँ सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल हो रहा है, चाहे वो खिलाड़ी है चाहे किसी, सब की कोई मान्यता नहीं, ये किसी मतलब हर उस पर, चाहे व्यापारी है चाहे कर्मचारी है, कर्मचारी भी असंतुष्ट है, व्यापारी भी जो है वो कहता है हमारे तो जब क्या मतलब हर वर्ग इससे सरकार से विमुख हो चुका है। कांग्रेस में कोई टकराव नहीं, और G23 के बारे में क्या कहना? कोई टकराव नहीं है कांग्रेस G23 आपका है हमारा क्या है, कांग्रेस एक है। 10 तारीख को प्रस्ताव पास करने जा रही है कांग्रेस, किस तरह देखते हैं 10 तारीख को सदन में प्रस्ताव लाएंगे? और जैसा मैंने कहा ये विश्वास खो चुके है लोगों का और विधायकों का, और बाकी जब वोट आएंगे पता लग जाएगा, कुछ चेहरे भी बेनकाब हो जाएंगे तो यहाँ आके कुछ कहते हैं और वहाँ क्या कहेंगे पता लग जाएगा। सर अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि डिबेट करें हुड्डा जी, कहीं ना कहीं बी टीम है। 10 साल मेरे साथ सामने विधायक थे ना, ये विधायक थे जब कहाँ गई थी इनकी डिबेट, इनका छोड़ो इनका, ये तो अपनी जिनकी राजनीतिक भूमि खिसक गई है उसकी तलाश में है। वो मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलो भाई, 10 साल तो बोले नहीं, 5 साल बोले नहीं, विपक्ष के नेता रहे। किसान आंदोलन को जो 100 दिन पूरे हो गए तो क्या मानते हैं सरकार? देखिए इतना लंबा आंदोलन कभी मैंने जीवन में देखा नहीं, इतना शांतिप्रिय आंदोलन, और उनकी मांग जायज है। अब सरकार को भी चाहिए कि उनसे बात करके उनकी बात माने, इसमें किसी की हार जीत नहीं है, लोगों की बनाई हुई सरकार है, उनको इनकी बात करके इनकी बात माननी चाहिए, तुरंत बातचीत का रास्ता खोलकर और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। छोटा सा ट्रांसपोर्टर आज लामबंद हुए हैं जो आल हरियाणा के, उनकी सरकार की नई पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं जी। सरकार ने जितने फैसले लिए हैं सब जन विरोधी हैं, ये ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी उनमें से एक है। सर बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव में आज मिथुन चक्रवर्ती भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो किस तरह देखते हैं? काफ़ी लोग बहुत बीजेपी में, बहुत कांग्रेस में शामिल हुए हैं, कोई किसी में शामिल हुआ है, चुनाव के आसपास होते ही है ये। हुड्डा साहब प्राइवेट जो नौकरी लगाने की बात कर रही है हरियाणा सरकार कह रही है उनको 75% का आरक्षण देने की बात कर रही है, तो सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं 75% दिया जाता? देखिए ये सबसे बड़ा धोखा है हरियाणा के मूल निवासियों के साथ, खासतौर पे जो इनका घोषणा पत्र है उसमें तो 75% सबके लिए थी, अब कहते हैं प्राइवेट कंपनियों में है,
और डोमिसाइल जो है रेजिडेंट की वो 15 साल से घटा के 5 साल कर दी, तो उसका किसके ऊपर असर होगा, मतलब किसको मिलेगी? जो रिजर्व हैं, जो कोटे हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे बैकवर्ड क्लास के लिए है, चाहे इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए है, चाहे खिलाड़ियों के लिए है, चाहे एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो मूल निवासी उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। उधर साहब, कांग्रेस मांग करती है कि हरियाणा सरकार जो अफसरों की भर्ती बाहर के लोगों की कर रही है वो भी हरियाणा के ही लोगों की भर्ती करे। पहले होता रहा, नहीं मैं ये नहीं हूँ, दूसरों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसका जो प्रायोरिटी तो देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए। 10 तारीख को बजट आएगा तो किस तरह की उम्मीदें करते हैं आप? 10 को बजट नहीं आएगा, विश्वास प्रस्ताव आएगा। बजट आने वाला है तो किस तरह? बजट 12 को देंगे, पेश करेंगे। पंचायत चुनाव को लेके कुछ कहेंगे? आगे बढ़ रही है तारीख लगातार, पंचायत चुनाव को लेके पंचायत चुनाव रेफर कर दिए। अब बंगाल में चुनाव हो सकते हैं, हरियाणा में पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते कोरोना की वजह से। स्पोर्ट्स पॉलिसी चेंज कर दिए, आसाम में चुनाव हो सकते हैं। वजह क्या मानते हैं तिथि लगातार आगे बढ़ाई जा रही है? इतने बड़े लोगों का सामना नहीं कर पा रहे, विफल है। सर, आप स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में आज पहुंचे हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी चेंज कर दी है सरकार ने, क्या कहना चाहेंगे? जब इसी बात की चर्चा की थी मैंने, इसका मतलब ये है जो हमारी पॉलिसी थी पदक लाओ पद पाओ वो निरस्त कर दी इन्होंने। अब जिसको बनाएंगे तो कोई अच्छा ना तो HCS बना पाएंगे, ना कोई सीधे जैसे अपने DSP भर्ती करे थे या उच्च पद पर, ना इनकी प्रमोशन होनी, जो जहां भर्ती हो जाएगा वहीं रह जाएगा। ये खिलाड़ियों के साथ बड़ा भारी जो है, मैं कह सकता हूँ मेरे को तकलीफ है, धोखा किया। हुड्डा साहब, एक नई पार्टी अस्तित्व में आई है, अशोक तंवर साहब की, कुछ कहना चाहेंगे क्या राजनीति में कुछ परिवर्तन लाएंगे अशोक तंवर जी? पता नहीं कितनी पार्टी और भी आ जाएंगी, क्या पार्टी आप भी बना लो एक पार्टी, हम तो उसमें भी पढ़ लेंगे अखबार में, जरूरत है आप बना रहे हो अखबार में वो भी पढ़ लेंगे, बिल्कुल हर आदमी बना लो पार्टी। हुड्डा साहब, करनाल ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।